जनपद जालौन के कोंच में कासीराम कॉलोनी के बासिंदे 15 दिन से पानी को तरस रहे हैं। बता दें कि ट्यूबवेल की मोटर खराब पड़ी हुई है और बिजली न आने से परेशान। लापरवाह विभाग से गुस्साए कॉलोनी के बासिंदों ने शुक्रवार की देर रात्रि के समय एसडीएम आवास का घेराव किया। मामला कोंच की कासीराम कॉलोनी का बताया जा रहा है। कॉलोनी के बासिंदों ने बताया कि पानी की समस्या 15 दिन से है और हैंडपंप भी कई महीनों से खराब पड़े हुए हैं और 2 दिन रात्रि के समय लाइट भी काट दी जाती है, जिसकी सूचना कई बार मौखिक अधिकारी को दी गई है। इसके बावजूद भी कोई अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। वहां के बासिंदे बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, दूर से पानी लाकर अपनी प्यास को बुझानी पड़ रही है। वहीं कॉलोनी के बासिंदे काफी देर तक एसडीएम आवास के बाहर डटे रहे। जब कोई नहीं आया तो वह वापस मायूस होकर घर लौट आए। शनिवार को समाधान दिवस में कॉलोनी के सैकड़े बासिंदों ने लिखित शिकायत की, जिस पर एसडीएम कृष्ण कुमार ने संबंधित विभाग को कड़ा रुख अपनाते हुए 2 दिन के अंदर खराब मोटर को सही कराए जाने का आश्वासन दिया। जालौन से संवाददाता नवीन कुशवाहा की रिपोर्ट।